नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड न्यूज एमपी पर और मैं आपके साथ सपना यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य में साफ हिदायत दे रखी है कि लव जिहाद जैसे मामलों पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मामा की साफ हिदायत देने के बाद भी धन विशेष के लोग अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदू लड़कियों को अपने प्यार जाल में फंसा कर या फिर उन्हें बहला फुसला कर उनके साथ अभी भी घिनौना काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की पुलिस की सूझबूझ और बहादुरी के कारण एक नाबालिग लड़की की आबरू लूटते लूटते बच गई। पूरा मामला है मध्य प्रदेश के उज्जैन का, जहां पर इंदौर निवासी मुत्सिर नाम के युवक ने नाबालिग बच्ची को मंदिर में भगवान दिखाने के बहाने झांसा दिया और उसे अपने साथ ले गया। मुत्सिर इंदौर से सीधा उसे नाबालिग बच्ची को उज्जैन लेके जाता है और एक होटल में पहुंच जाता है, जहां पर वह बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। लेकिन पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है और बच्ची के साथ हो रहे दुष्कर्म को रोक देती है। पुलिस को खबर मिलती है कि इंदौर में स्थित एक होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस होटल में दबिश देती है और मुत्सिर के साथ साथ एक महिला और पुलिस को भी हिरासत में ले लेती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे कमरे में मिलने वाले अमन और महिला के खिलाफ भी पुलिस ने देह व्यापार की धाराओं का केस दर्ज कर लिया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। बाकी एमपी से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।